This video is sponsored by V-Card. देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा सीट दिमनी विधानसभा में न्यूज 24 है। माहौल जानने के लिए आम लोगों के बीच में है। तो हम लोग भैया दिल्ली से आए हैं और नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता हैं, देश के कृषि मंत्री हैं। तो उनका माहौल क्या है, क्या वो चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हाँ, चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, जीतेंगे ही। वो तो लेट ही है। वो तो जीतेंगे ही, जीतेंगे। और होगा कैसे? जनता वोट देगी, जिंदे जीतेंगे और कहा जीतेंगे। कोई तो गणित होगा उधर। तो अभी जितना 3-4 गांव आया, सब लोग कह रहा है कि हालत टाइट है। यहाँ हाथी छाप आगे है, ब्राह्मण दलित अलग है, तोमर में 3 कैंडिडेट अलग है। अब हमें तो वोट कभी दे रहा हूँ, नरेंद्र ही दे रहे हैं तो वही जीते जाए। सही है, पोजीशन बता रहे हैं। आपके गाँव में सब बिरादरी है? कौन कौन से बिरादरी? 7,000 पूरी जाते तोमर से जाते पूरी ए टू जेड है। तो ये बताओ कि यहाँ मतलब तोमर भी यहाँ है? नहीं है, कोई नहीं है। यादव, गुजर, ब्राह्मण, हरिजन, तेली। कितना गांव में वोट है यहाँ? वोटर्स कितने हैं? 6,000 के समथिंग है। 6,000 और पोलिंग होता होगा कितना? 3,500 4,000 नहीं, 6,000 के करीब तो वोटिंग है। वोट पड़ता होगा, पड़ता 4,000 के आसपास। 60% सब गांव एक तरफा तो नहीं हुआ? देखिए ब्राह्मण में भी हम लोग घूम रहे थे तो ब्राह्मण धनदोतिया बसपा कहाँ थी? सब पे जाएंगे ज्यादातर। इस गांव में तो नरेंद्र सिंह आगे निकलेगा। क्या कोई नरेंद्र चलो जहाँ तो कैसे जीतेंगे इस बार, ये तो बताओ आप लोग। भैया रियली लाइक इट। स्टेबिलाईजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबिलाईजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाईजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबिलाईजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबिलाईजर। जो कह रहे हैं कि 3 तोमर कैंडिडेट हैं कांग्रेस से, कर रहे हैं बलवीर की, ब्राह्मण 24,000 है और 70,000 है, तोमर 70,000 है। तोमर में 3 कैंडिडेट है ना अलग अलग? 3 कैंडिडेट है, एक तो वो सुरेंद्र आप वाला, तो उसके पास तो कुछ है नहीं। कांग्रेस, हाँ वो 10-20,000 वोट वो ले सकता है। ये पूरा गांव तोमर साहब का या कुछ अलग अलग भी है? लोग नहीं अलग अलग है। अच्छा, ये सब लोग लगा हुए हैं इस वजह से? नहीं, ये आता ही क्या चाचा? अरे अब तो आखिरी कष्ट खत्म हो गया, अब काय कर रहे हैं। ये बताओ कि क्या है दिमनी का माहौल? दिमनी को कहो इनके वोट आते हैं, जीतेंगे। और को इनके वोट है ज्यादा, जिसके वोट ज्यादा है इसके ज्यादा वोट है। 70,000 वोट है इनके तोमर के। अच्छा, जब विधानसभा क्षेत्र में, दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 70,000 वोट है। और जी लेंगे कहा? क्या समीकरण कुछ है जो दूसरा पार्टी है वो कह रहा है कि तोमर को खुद की जाति नहीं वोट दे रही है? तीन लोग दूसरे पे कहा है बाप है? नहीं, आपके गांव का माहौल क्या है? भाई गांव में सबसे आगे भी जा रहे नरेंद्र सिंह सब लोग। अब वोटिंग क्यों खराब करेंगे? आपके गांव का ब्राह्मण लोग वोट कर रहा है? वोट कितने वोट है मेरे के? नहीं, 400 वोट। 400 400 तो देगा उसको। अच्छा, 400 भी नहीं बाकी बंदे तो असल ना। अच्छा, बंदे ना 400। हर आदमी वोट कहाँ देता है? तब मोदी का तोता और बेमतलब वोट खराब करवे के लिए अब काय दे वो। अच्छा, और सब इलाके में क्या है चर्चा जब आप लोग घूमते हो तो क्या है? वो तो सबसे आगे नरेंद्र सिंह, सबसे आगे नरेंद्र सिंह। और 6 विधानसभा कांग्रेस का क्या माहौल है? टक्कर होगी बराबरी की, बाकी तो टक्कर ही हो गई रविंद्र की हो बाकी दोनों ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही टक्कर। और ये हाथी साहब, हाथी साहब देखेंगे वो पटके दे तो उनटे सीधे मशीन ने गड़बड़ कर दी तो कई ना ने सरकार भी नहीं की है भी कस सकता है चाहे कछू। हम तो परेशान है बस, हवाले हम उनटे बोलने मई से बंद करवाए थे, क्या फायदा है रही है जाते बचते ही रहू जाते तो दूर ही रहू तो हम फायदा है। नहीं तो कांटे की लड़ाई किसके किसके बीच में? कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर होगी।
भारी कौन है? भारी विजय पर है वो नरेंद्र तोमर। अभी ये गुजर में गोली मार दी थी अभी तोमर ने एक ने, कुछ नहीं हुआ उसको। ठीक है भैया, चलिए तो कुछ और गांव से आपको माहौल दिखाते हैं दिमनी विधानसभा में कि नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा सीट पर आम मतदाताओं की राय क्या है, क्या उनके चुनाव लड़ने से चंबल संभाग की 36 विधानसभा सीटों पर कोई असर होगा या खुद नरेंद्र सिंह तोमर अपने ही विधानसभा चुनाव के चक्रव्यूह में फंस गए। मुरैना जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं और उन 6 में से एक दिमनी विधानसभा सीट है जहां से देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दिमनी विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। वजह है कि बगल में उत्तर प्रदेश है, बीच में यमुना नदी है और उसके बाद मध्य प्रदेश शुरू होता है। और जो उत्तर प्रदेश में बसपा का फॉर्मूला था, ब्राह्मण और दलितों का गठजोड़, वही समीकरण दिमनी में भी दिखाई दे रहा है। हम अभी बीएसपी समर्थित जो यहाँ के दलित आबादी के हैं बस्ती, वहाँ मौजूद हैं ये जानने के लिए कि माहौल क्या है और नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी विधानसभा सीट में इस बार क्या होगा। 17 नवंबर को वोटिंग है। तो भैया ये बताइए कि हम लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर की इस विधानसभा सीट में क्या स्थिति है इस बार 17 नवंबर को जब वोटिंग हो, तो उनकी स्थिति तो सर 30% की रहेगी, 70% बलवीर सिंह नंदोतिया की। नंदोतिया जी, अच्छा बीएसपी से हैं इसलिए से? नहीं है, हम पार्टी से किसी तो आम आदमी है, अपनी मजदूरी करते हैं इसलिए। नहीं हमने कि देखो बीएसपी का झंडा है, देखो झंडे की कोई वो नहीं है, झंडे को प्रदेश में आजमाया हुआ फार्मूला है। नहीं बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा फैला दी है और उन्होंने अपना ठाकुरवाद फैला देते हैं इसलिए। अच्छा ठाकुरवाद ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या बीजेपी चल रही है? बीजेपी? हाँ बीजेपी। भाई तो बोल रहे हैं कि नंदोतिया बसपा। नहीं बीजेपी का अच्छा माहौल है अपने यहाँ पे। क्यों? ये गाँव कोई ना आती भैया, ये गाँव का ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ से आया है। का नहीं है, बीजेपी सारे यहाँ पर चौहान है, ये सब सारे अपने ये बेल्ट अपना तो आदिगाय आदमी है, चौहान उधर डरे हैं, कोई गिनती नहीं है। एक मिनट जुड़ो, ये बताओ कि हाथी छाप से इस बार दंदोटिया चुनाव में है तो क्या माहौल है इस दिमनी का? माहौल बढ़िया है, हाथी की वोट नहीं जीता सगा, माहौल बढ़िया है, पूरी टोटल हाथी की, चाहे कोई कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी, ब्राह्मण और दलित का समीकरण नहीं दिख रहा है। ओबीसी भी दे रही है सर, जो ठाकुर अरे समीकरण जी है, नरेंद्र सिंह वोट 50,000 से जीत रहा है, शरद समाज उसके साथ में, ठीक है, एक बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, हमारे क्षेत्र की आन मान शान सब कुछ है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री है, 14 नंबर का नेता है, 14 नंबर का नेता है चौथे नंबर, हाँ 14 नंबर का नेता है, कम से कम 50,000 वोट से जीत रहा है चुनाव, 50,000 आप ही के मोहल्ला में उनको वोट नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं अपनी अपनी पार्टी है, राजनीति लड़ाई है इसमें, हम आपस में तो लड़ेंगे नहीं, जिनका वोट करना है ये करेंगे, हमको वोट करना है हम करेंगे, उसमें क्या है, बीएसपी पार्टी है तो वो अपने को सपोर्ट कर रही है, टोटल बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, सामान्य वर्ग है वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बड़े बड़े काम है जो बीजेपी ने किए यहाँ पे सब, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर बलवीर टंडोती 7,00,000 वोट से जीत रहे हो, पोलैंड फाइनल। हाँ भैया यहीं से हो? हाँ आप इधर से? किसी इलाके मोहल्ले से? हाँ माहौल है, माहौल बढ़ गया है दिमनी क्षेत्र में, बीजेपी का अच्छा माहौल है, बीजेपी का। हाँ तो लोग पूछ रहे हैं कि कौन से समीकरण से बीजेपी चुनाव जीत रही है, तोमर में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ब्राह्मण समाज है वो अलग है, तो सर्व समाज के हिसाब से जीत रहे हैं, तो है ही सर्व समाज है, समाज है, कैसा काम किया है तुमने? अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता, अच्छे छवि के नेता हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेता। अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो तुम, इधर उधर जा रहे हो, यहीं रहते हो आप? दिल्ली में कहाँ घर है आपका? बहुत दूर है हमारा घर, यही है, कौन जीत रहा है बताओ ना, पता ही ना मन्ने, बताओ ना आप वोट किसको कर रहे हो? कोई पता नहीं है, वोट भूल को कर रहा है, करें तो करें, हाँ ठीक है ओके, ये दे वोट आ ये कैमरा के दाम दीजिए। अरे रुक जा भाई, ये बताओ यार क्या माहौल है आपके यहाँ? सही माहौल है हमारे, तो कौन भारी है, पता ही ना कोई जीते हो, जीते हो सीट आ रहे हो, अपने सोचे मारे यार, बट रहा थी कि कहाँ जी कहाँ बात है, जन जाएगी
दो आदमी है जी। दो आदमी, दो कुछ और माहौल आपको दिखाते हैं कि दिमनी विधानसभा सीट में क्या है माहौल और नरेंद्र सिंह तोमर की इस विधानसभा सीट हॉट क्यों है और मतदाताओं के मन की बात क्या है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड।